ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना अमरपुर, ले चलो हो सजना, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना। अमरपुरी की साकर गलिया अड़बड़ है चलना, ओ अमरपुरी की साकर गलिया अड़बड़ है चलना। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना। अमरपुरी में लागी बजरिया सौदा है करना, ओ अमरपुरी में लागी बजरिया सौदा है करना। अमरपुरी में संत बसत हैं, अमरपुरी में संत बसत हैं, दर्शन है करना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना। अमरपुर ले चलो हो सजना, संत समाज सभा जहाँ बैठी वहीं पुरुष अपना, ओ संत समाज सभा जहाँ बैठी वहीं पुरुष अपना। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, भवसागर तरना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना। अमरपुर ले चलो हो सजना, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना हो अमरपुर, ले चलो हो सजना। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी बंदी, संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, जीवन में गुरु का होना
हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जानना है और जान करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। देखिए, गुरु के अभाव में हमारे जीवन में कौन कौन सी ऐसी विपत्ति नहीं आती है। हम सोचते हैं कि गुरु एक सामान्य आदमी है। गुरु सामान्य आदमी नहीं होता है, गुरु हमें निर्णय शब्द देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारे मन के संदेहों का निवारण करते हैं और हमें दुखों से मुक्त करते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख है या फिर संदेह है, उलझन है, तनाव है, विवाद है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है बातों को न समझ पाना। निर्णय को नहीं समझ पाना, इसलिए जीवन दुखमय बना रहता है। लेकिन वही जीवन दुखों से संबंध जब काट देता है, यानी जीवन में दुख नहीं होता है, ये कब? जब गुरु से हमारा संपर्क होता है तब। क्योंकि वहां पर दुखों से भागने के लिए, दुखों से क्लियर होने के लिए हमको निर्णय शब्द मिलते हैं और अपने जीवन को हम दुखों से मुक्त कर लेते हैं। एक शब्द में कहें तो गुरु समाधान रूप है, जहां से हमारे मन की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। उस ताकत को, उस शक्ति को हम गुरु रूप में स्वीकारते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बात बताया करते हैं कि जब से हम गुरु से जुड़े हैं तब से आज तक, और गुरु से नहीं जुड़े से तब की बात, वे अनुभव करते हैं कि काफी अंतर है। ये अंतर कहां से आया? जब हमारी समझ में अंतर होता है तब जीवन जीने का जो ढंग है उसमें अंतर आता है। तो गुरु हमें क्या देते हैं? एक समझ देते हैं, एक ज्ञान देते हैं, विवेक दृष्टि देते हैं, और उसी आधार पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तब हमारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हम खुद करते चले जाते हैं। तो हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि जीवन में गुरु करे और गुरु की बातों को माने और मान करके चले, तो चलते चलते उसे पता चलेगा कि वास्तव में हमारी समस्या का समाधान एकमात्र गुरु ही है। ये उसे अनुभव होगा। सदगुरु ने कहा है कि गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माँ है चूक, भावे त्यों परमोधिये बांस बजाए फूक। गुरु तो उपदेश करते हैं, इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं कर सकते। हमें सही समझ देने का प्रयास करेंगे, सही रास्ता बताने का प्रयास करेंगे, सही उपदेश देने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी बातों पर हमको प्रेम नहीं है तो उसी प्रकार से है जैसे गुरु उपदेश करते हैं। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उसे बहा देते हैं। जैसे कोई पोला बांस हो
इधर से फूंके हवा उधर से निकल जाती है। इसी प्रकार हमारे लिए भी है। इसलिए गुरु की बातों को समझें ठीक से और समझ करके अपने जीवन में उसको आचरण में उतारें। इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है दुखों से मुक्त हो जाएगा। एक भजन, फिर पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वचन हम प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।